जब सिंधु घाटी की सभ्यता कुदरती ताकत के सामने हारकर अपने पतन के रास्ते पर बढ़ चली थी, तब भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के दहलीज पर एक नई सभ्यता दस्तक दे रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता से काफी अलग विशेषताएं रखने वाली इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसीलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इस सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आओ दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारतीय भूमि पर स्थापित वैदिक सभ्यता और उसके निर्माता आर्यों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में सभ्यताओं का विकास क्रम कुछ उल्टा रहा है, क्योंकि जिस भूमि पर कभी सिंधु सभ्यता के लोगों ने भव्य नगर और इमारतों में नगरीय जीवन को जिया था, उसी भूमि पर अब वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण जीवन को जी रहे थे। जिस भूमि से कभी देश और विदेशों में व्यापार हुआ करता था, उसी भूमि से अब मात्र पशुपालन और खेती ही हो रही थी। सभ्यता के विकास का ये उल्टा क्रम इस बात को स्पष्ट रूप से अंकित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद उस जगह पर स्थापित वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से तुलना में काफ़ी कम विकसित थी। ये भी सत्य है कि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तब तक वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। लेकिन आज पुरातात्विक खोजों से ये स्पष्ट हो चुका है कि 1750 ईसा पूर्व आते आते सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी और इसी दौर में आर्यों के भारत आगमन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। चूंकि ऋग्वेद की रचना की तिथि को 1500 ईसा पूर्व मानने पर आज सभी इतिहासकार एकमत है, हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आर्यों का भारत आगमन 1800 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य में ही हुआ होगा। हालांकि यहाँ के सप्त सिंधु प्रदेश में शांति और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उन्हें काफी समय तक संघर्ष करना पड़ा होगा और उसके पश्चात ही उन्हें वेदों की रचना करने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। वैदिक काल को पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इन दो हिस्सों में बांटा गया है। इनमें से ऋग्वेद से जुड़ी जानकारी का संकलन 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से जुड़ी जानकारी का संकलन 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ अथवा कुलीन। मूलतः यह शब्द एक विशेषण है जिसका इस्तेमाल वैदिक सभ्यता के निर्माता अपने आप को संबोधित करने के लिए किया करते थे। अगर हम आर्यों का वर्णन करें तो वे रूप में गौर वर्ण, बलिष्ठ बाहु, घुंघराले बाल, लंबी नाक और शक्तिशाली कंधों के स्वामी थे। मुख्य रूप से वे घोड़ों की सवारी किया करते थे, तलवारबाजी में वे पारंगत और तीर कमान चलाने में वे धुरंधर थे। वे युद्ध में विभिन्न हथियार, ढाल कवच और घोड़ों के रथों का प्रयोग किया करते थे। इसी के साथ साथ वे कृषि कर्म एवं पशुपालन में भी कुशल थे। आर्य देवताओं में विश्वास रखने वाले धार्मिक लोग थे। वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ विधि किया करते थे। वे संस्कृत भाषा के शुरुआती प्रारूप अर्थात हिंद यूरोपीय भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। अतः वे अपने ज्ञान को श्रवण और पठन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया करते थे और इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। आर्य अपनों से भिन्न लोगों को दास अथवा दस्यु कहकर पुकारते थे। ऋग्वेद में दास अथवा दस्युओं को अकर्मण अर्थात वैदिक क्रियाओं को न करने वाले, अदेवयु अर्थात वैदिक देवताओं को न मानने वाले, अयजवन
अर्थात यज्ञ विधि को न करने वाले और मृदवाक अर्थात अपरिचित भाषा बोलने वाले आदि शब्दों में वर्णित किया गया है। इन्हें ऋग्वेद में शिष्ण देवा अर्थात लिंग पूजक भी कहा गया है। आर्य कहाँ से आए थे, इस विषय को लेकर इतिहासकारों के बीच काफी ज्यादा विवाद है। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो बहुतांश भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि आर्य बाहर से नहीं बल्कि वे यही के मूल निवासी थे, लेकिन बहुतायत विदेशी इतिहासकार और कुछ भारतीय विद्वान भी मानते हैं कि आर्य बाहर से ही भारत आए थे। इस संबंध में सर्वाधिक प्रमाणित मत आल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित यूरेशिया को ही माना जाता है। वैसे अगर आप इस विषय पर और भी विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में बताइए, हम उस पर भी अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल ऋग्वेद में किए गए वर्णनों को देखा जाए तो उसमें अफगानिस्तान की चार नदियाँ जिसमें कुभा, क्रूमू, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है, और सप्त सैंधव प्रदेश की सात नदियाँ जिसमें सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपासा, परुषणी, वितस्ता, अस्किनी, इनका भी वर्णन मिलता है। माना जाता है कि आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान और पंजाब के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ही बसे होंगे और फिर उसके पश्चात वे पूर्व की ओर बढ़े होंगे। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार और यमुना नदी का उल्लेख केवल तीन बार ही मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में गंगा के पश्चिमी तट तक और उत्तर में पश्चिमी हिमालय से लेकर दक्षिण में राजस्थान की उत्तरी सीमा तक ही सीमित था, लेकिन इसके बाद उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने इस क्षेत्र में विस्तार किया, जिसका वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। उन्होंने गंगा यमुना दोआब तथा आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करके उसका नाम ब्रह्मर्षि देश रखा। हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य क्षेत्र पर अधिकार करके उसका नाम मध्य देश रखा, और कालांतर में बिहार तथा बंगाल के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर अधिकार करके उन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत को अपने अधिकारों के अधीन करके उसका नाम आर्यावर्त रखा। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के 900 सालों के लंबे सफर में आर्यों ने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके इस योगदान के साहित्यिक साक्ष्य हमें वेद, पुराण और उपनिषदों के माध्यम से उपलब्ध होते हैं, और उत्खनन के माध्यम से पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं, जिन्हें ऋग्वैदिक साक्ष्य और उत्तर वैदिक साक्ष्य ऐसे दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्यों को काले एवं लाल मृदभांड, ताम्रपुंज और गेरुवर्णी मृदभांडों के रूप में देखा जाता है, तो उत्तर वैदिक पुरातात्विक साक्ष्यों को चित्रित धूसर मृदभांड के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए, ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।